वेलकम टू द जैनम सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में मैं आपको बिल्ड फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। ये हमारा फोल्डर्स है, इसमें हमें बिल्ड टेम्पलेट में जाना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेंगे बहुत सारे, तो मैंने यहाँ पे एक राधा कृष्ण का फॉर्मेट सिलेक्ट किया है और मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ नोट पैड करना है। नोट पैड करने के बाद में हमें इसे यहाँ पे HTML की फाइल आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे आपको जो भी लोगो डालना है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, लेकिन आपका लोगो की जो फाइल है वो JPG है तो आप वहाँ पे .jpg डालिए। अगर PNG की फाइल है तो .png लिखिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको शॉप नेम लिखना है, जैसे यहाँ पे श्री राधा कृष्ण इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर लिखा है, यहाँ पे आपको आपके शॉप का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। इसके बाद में आपको दूसरा लोगो और डालना है तो आप डाल सकते हो राइट साइड के लिए। तो यहाँ पे मैंने krishna.png लिखा है क्योंकि मेरी png की फाइल है। इसके बाद में यहाँ पे आप आगे आगे जाओगे तो यहाँ पे फ़ोन नंबर का आएगा, अगर आपको मोबाइल नंबर डालना है आपका शॉप का तो डाल सकते हो, उसमें से आपको जो भी चेंजेस करना है आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसे सेव करना है। सेव करने के बाद में इसको क्लोज करना है और आप जो भी लोगो डालोगे वो लोगो को आपको एक बार बिल्ड टेम्पलेट में फोल्डर को कॉपी करना होगा। उसके बाद में आपको जैनम सॉफ्टवेयर में भी आपको आपका लोगो कॉपी करना होगा। उसके बाद में हाँ, जब तक आप लोगो कॉपी करके फोल्डर में नहीं डालोगे तो आपका टेम्पलेट में वो नहीं लेगा। उसके बाद हम जैनम में जाएंगे और यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में हम एक वाउचर सिलेक्ट करके परचेज का सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद में हम प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट में हम मैंने राधा कृष्ण का फॉर्मेट लिया था वो सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद हम व्यू बिल करते हैं, तो व्यू बिल में मैंने यहाँ पे durga.png की फाइल लगाई थी और यहाँ पे मैंने कृष्णा की लगाई थी। अब आप वहाँ पर जो भी चेंजेस करोगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, थैंक यू।